हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट बच्चों, हम स्टार्ट करें नया और फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें, कुछ भी कर लिए, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपके लिए चैप्टर जो होंगे सभी आपके पास पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मटेरियल साइंस मटेरियल। यहाँ पर देखोगे आपके पास चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप फेज डाइग्राम की बात करें, कार्बन कार्बन डाइग्राम, आयरन कार्बन डाइग्राम की बात करें, ठीक है, या अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, कास्ट आयरन क्या होता है, ये क्या होता है, मलेबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है, माइल्ड स्टील कैसा होता है, यानी कि आने वाले जितने भी आप पार्ट होंगे इस मटेरियल साइंस में हम लोग डील करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर आपके पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैकेनिकल टेस्टिंग एंड प्रॉपर्टिंग की बात करेंगे, तो मैकेनिकल टेस्टिंग में अभी क्या करेंगे, जो मशीन होंगी उससे मशीनिंग करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें। हालांकि हम लोगों ने इससे क्या कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस कर रखा है, ज़्यादा नहीं, पर जो जो इंपॉर्टेंट है वहाँ डिस्कस करेंगे और उसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बच्चों क्या है, एक टेस्टिंग है, यानी इसका नाम है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्या नाम है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। आप लोगों ने देखा होगा, अगर लैब वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसे ही आपको दिखता है, दो कॉलम होते हैं, टेस्टिंग होता है, यहाँ पे जॉब रखते हैं बच्चों, कैसा सिलेंड्रिकल शेप रखता है, और एक जॉब यहाँ पर लगाते हैं, एक जॉब यहाँ लगाते हैं, और ये क्या होता है, धीमे धीमे टेंसाइल, ये दोनों सेपरेट होता जाएगा और ये टेंसाइल टेस्ट होता जाएगा, और रीडिंग क्या होगा बच्चों, ऑटोमेटिक मशीन होती है जो आपको ग्राफ के पर में बना देगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाता जाएगा, ठीक है, जब तक मटेरियल फेल ना हो जाए, यानी कहीं ना कहीं क्रैक यहाँ से टूट जाएगा, बात समझ में। तो ऐसे आपके पास टेस्टिंग को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, यूटीएम, और इस टेस्ट को बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट। क्या बोलते हैं? टेंसाइल टेस्ट। ये हम लोगों ने, अगर मैं बात करूँगा शो में, स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे लेक्चर किया था तो उसमें है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो देखिए, ये स्पेसमैन है, स्पेसमैन मतलब ऑब्जेक्ट है आपके पास या वर्कपीस है, और यहाँ पे क्या है, क्या है, सेंसरोमीटर, यानी कि ये आपके पास क्या होता है, एक सेंसर होता है जिससे मेजर करके आपको क्या करता है, ग्राफ ड्रॉ करता है, ठीक है। तो मूविंग क्रॉस हेड है, लोड सेल है, तो ये क्रॉस हेड मूविंग कर रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, जॉज है, यहाँ पर इसे मूव करेगा, फिक्स है, क्या होगा, दोनों के बीच में टेंसाइल टेस्ट होगा, और जिस पे टेंसाइल टेस्ट होगा यानी कि मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका डिक्रीज हो जाएगा, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बच्चों स्पेसमैन कैसा होता है, स्पेसमैन ये सही, देखो ये स्पेसमैन होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, जिसका जो आपके बीच वाला एरिया है ये वाला एरिया, और ये एरिया बच्चों क्या थोड़ा सा स्मॉल होता है कंपेयर टू आपके, ये तो भाई होल्डिंग है, यहाँ पे होल्ड करना है, इसको भी क्या करना, होल्ड करना है, ये क्या है, ओरिजिनल क्रॉसिंग, इसको टेस्ट करना होता है, क्या, टेंसाइल टेस्ट, बोलो क्या करना होता है, टेंसाइल टेस्टिंग। टेंसाइल टेस्ट की बात करेंगे तो बच्चों उसकी जो लेंथ होती है स्पेसमैन की, ठीक है, आया ना, देखिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास कहूँ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो यूटीएम होता बच्चों क्या होता है, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों किसके लिए यूज होता है, ये टेंसाइल टेस्ट के लिए होता है, किसके लिए, टेंसाइल टेस्ट, बिल्कुल, और टेंसाइल टेस्ट के लिए यूज होगा, और इसमें जो स्पेसिमेन बच्चों लेते हैं, ठीक है, ये किसके किस में, ये भाई ये तो देख रहे हो आप, ये कर्व बनेगा जहाँ से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता था, यहाँ पर यहाँ आना, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, ये तो डायग्राम बनेगा, लेकिन बात करूँगा ये जो आपके पास जो ये टेंसाइल टेस्ट होता है, ये किसके किसके बीच होता है, ठीक है, किसके बीच होता है, तो होता है बच्चों क्या, लोड वर्सेस एलोंगेशन, पढ़ा रखा हूँगा, टेंसाइल टेस्ट होता है, यहाँ पे लिख लो कैसा होता है, लोड वर्सेस एलोंगेशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहा है, लोड वर्सेस एलोंगेशन, ठीक है, लोड वर्सेस एलोंगेशन की बात करेंगे तो टेंसाइल टेस्ट होता है, और स्पेसिमेन की बोलूंगा लेंथ कितना होता है, आपने स्पेसिमेन देखा था लेंथ कितना होता है, लेंथ होता था यहाँ पर 5.65 root of, ये स्पेसिमेन का लेंथ होता है, क्या होता है, स्पेसिमेन लेंथ, स्पेसिमेन लेंथ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे देखा जाए ए क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ये वाला स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ, यही ये लेंथ है, कितना होता है 5.65 root a, ध्यान रखिए। तो ये
ये मैकेनिकल टेस्टिंग बच्चों क्या है, मैकेनिकल टेस्टिंग यानी आपने क्या किया, दोनों चीजों को लेकर यानी कि दोनों जॉ के बीच में स्पेस में रखा और दोनों में टेंसाइल टेस्ट प्रोवाइड किया, टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा तो कर्व बन जाएगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, इसके बनेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। हाँ, अगर कर्व बन गया तो बात करेंगे आपने जो टेंसाइल टेस्ट किया था इसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा टेंसाइल टेस्ट की बात करेंगे। पहला जो बच्चों टेस्ट होता है इलास्टिसिटी होता है, क्या होता है इलास्टिसिटी। दूसरा होता है प्लास्टिसिटी। तीसरा होता है इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, और क्या होगा टफनेस की बात करेंगे, टफनेस भी इसी आपके पास मेजर करते हैं। मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि टेंसाइल टेस्ट से मेजर करते हैं, मतलब कि आपके पास जो भी मैकेनिकल टेस्टिंग होगा जैसे टेंसाइल टेस्ट क्या मेजर कर सकते हैं, इलास्टिसिटी कर सकते हैं या कितना यील्ड हो रहा है, कितना आ सकता है, रेजिलेंस कर सकते हैं, ठीक है। टफनेस कैसे, चार पी और किससे मेजर करेंगे, ठीक है, अलग मेथड्स यूज करेंगे। और अलग अलग टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग है, जैसे रेजिलेंस की बात हो रही है, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, सभी पूछता है यहाँ से, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ फिफ्थ देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो मेलेबिलिटी हो जाएगी और भी टाइम हार्डनेस हो जाता है, क्या जाएगा हार्डनेस, और आ जाओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटलनेस, ठीक है। और भी देखा जाए तो फटीग टेस्ट है आपके पास, फटीग टेस्ट, ये सब मैकेनिकल टेस्ट है, क्या है। और देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रीप टेस्ट, ठीक है, हियर, ये सब एग्जांपल्स हैं। और ये सब क्या है मैकेनिकल टेस्ट, और भी टेस्टिंग होते हैं बहुत सा होते हैं, ठीक है। तो जो जनरली यूज होता है जो क्वेश्चन बराबर पूछते रहते हैं, इलास्टिक, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलियंस, ठीक है, ब्रिटल, ब्रिटलनेस होता है, और क्या होता है फटिक टेस्ट, ईयर टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सब होगी आपके पास, ठीक है। तो डक्टिलिटी भी होता है, डक्टिलिटी कितना होता है वो भी होता है, मतलब बहुत से आपके पास टेस्टिंग होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। चलिए देखें इलास्टिसिटी की बात करेंगे, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपने किसी प्रॉपर्टी यानी मेजर है किसी में आपके पास मटेरियल का एक्सपेरिमेंट होता है, क्या होता है इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी क्या होता है, आप लोड लगा रहे हो किसी पार्टिकल पर, मान लो ये आपके ऑब्जेक्ट, इस पर लोड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो लोड लगा रहे हो, और लोड करते करते एलोंगेशन हो सकता है, एलोंगेशन हो और लोड हटा दिया वापस उसी फॉर्म में आ गए, बोलो इसका मतलब क्या है, ये इलास्टिसिटी है। यानी आप लोड लगाओगे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, जैसे लोड हटाओगे वापस उसी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, आया ना, तो ऐसे पोजिशन को बोल देंगे क्या बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ आप कह सकते हैं व्हेन द लोड इज अप्लाइड, व्हेन द लोड इज अप्लाइड डिफॉर्मेशन टेक प्लेस when the load is applied deformation take place in specimen but after moving the load अगर मैं रिमूविंग लोड को रिमूव कर देता हूं डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा फॉर्मेशन विल डिसअपियर क्या हो जाएगा चलिए लोड लगाया हो सकता है कुछ एक्सटेंशन हुआ जैसे लोड हटाया वापस उसी फॉर्म में आ गया यही क्या प्रॉपर्टी है बच्चों कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है तो आप कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन द लोड इज अप्लाइड ठीक है ऑन स्पेसिमेन दिस क्या है
डिफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन द लोड इज रिमूव देन डिस्पेयर क्या हो जाएगा या मटेरियल गेट ऑब्टेन द ओरिजिनल शेप बोलो अरे मटेरियल गेट ऑब्टेन क्या हो जाएगा या मटेरियल गेट इन ओरिजिनल शेप क्या हो जाएगा क्या इलास्टिसिटी वही बात बच्चों क्या हो जाएगा यानी यहां पे लिख सकते हैं क्या स्पेसिमेन क्वायर स्पेसिमेन ऑब्टेन ओरिजिनल से आफ्टर रिमूविंग लोड अगर लोड हटा देंगे तो स्पेसिमेन अपने अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा यानी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ऐसे प्रॉपर्टी या मटेरियल को बोलते हैं बच्चों क्या इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी समझ में आया बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ठीक है व्हेन द लोड इज अप्लाइड व्हेन द लोड इज रिमूव द मटेरियल गेट इन ऑन ओरिजिनल शेप दिस इज प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी क्या कहेंगे इसे इलास्टिसिटी ओके सेकेंड बच्चों क्या है नेक्स्ट है आपके यहाँ प्लास्टिसिटी आपने क्या बच्चों लोड तो लगाया डिफॉर्मेशन हुआ लोड हटाया तो भी डिफॉर्मेशन होता जाएगा यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है कैसा हो रहा है परमानेंट अरे आपने लोड लगाया क्या लगाया लोड लगाया मटेरियल डिफॉर्मेशन हो गया लगाते गए लोड डिफॉर्मेशन हो गया लोड रिमूव करो तो भी मटेरियल क्या हो रहा है डिफॉर्मेशन हो ही जा रहा हो ही जा रहा यानी कि आपके पास व्हेन द लोड इज अप्लाइड मटेरियल डिफॉर्म व्हेन द लोड इज रिमूव मटेरियल गेट परमानेंटली डिफॉर्मेशन टेक प्लेस दिस इज प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी बात समझ में आया ठीक है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सभी प्रॉपर्टी है क्या है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ठीक है When the load is, अगर लोड अप्लाई करेंगे तो मटेरियल क्या करेगा डिफॉर्मेशन होगा When the load is applied, material, a specimen, ठीक है form. But when the load is remove specimen कह लो when the load is remove specimen it permanently formation It is the property of material when the load is applied, materials deform, but when the load is removed, specimen get permanently deformation. इसे बोलेंगे plasticity. क्या बोलेंगे plasticity. ठीक है आगे आ जाओ क्या बच्चों resilience की बात करेंगे resilience हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी रेजिलेंस की बात करेंगे तो रेजिलेंस क्या है अगर आपने क्या किया बच्चों कोई भी लिमिट लोड लगाया ठीक है कहाँ तक लगाएंगे भाई कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा कोई भी आपके पास मटेरियल वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ तक कर रहा है बच्चों इल्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट तक कहाँ तक कर रहा है इलास्टिक पॉइंट तक ऐसे बोलेंगे प्रॉपर्टी को बोलेंगे रेजिलेंस क्या बोलेंगे रेजिलेंस ठीक है यानी कि आपके पास कहूँगा स्टोर एनर्जी यानी कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी है एनर्जी जो हो रही है आपके पास स्टोर हो रही है बच्चों क्या कहेंगे इसे स्ट्रेन एनर्जी क्या करेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्टोर्ड विद इन ठीक है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन कहां तो बच्चों स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट हाँ तक इलास्टिक लिमिट
ये हो गया रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या हो जाएगा? रेजिलेंस। क्या हो जाएगा? रेजिलेंस। बहुत बार पूछता बच्चों प्रूफ रेजिलेंस, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, होता है प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? तो मैक्सिमम क्या जगह यहां पे वर्ड आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी था, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी कितना आपके पास होगा इन द इलास्टिक लिमिट आएगा। और वर्ड आता है तो नाम है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और वर्ड है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये क्या भाई? क्या है स्ट्रेन एनर्जी? क्या है स्ट्रेन एनर्जी? इसमें भी लिख लो क्या है स्ट्रेन एनर्जी है या मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। क्या मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, चलिए तीनों में अंतर है। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन रेजिलेंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी अगर इलास्टिक लिमिट तक आपके पास ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसे बोलेंगे रेजिलेंस। अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक कर रहा है इसे बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस। अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वर्ड आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा, बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। बोलो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये तीनों चीज़ें बार बार पूछता रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन कराएंगे तो हो जाएगा। तीनों चीज़ें को ध्यान रखना, रेजिलेंस स्ट्रेन एनर्जी होता है, प्रूफ रेजिलेंस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होता है, सभी इलास्टिक लिमिट पे है, मॉडुलस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होता है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी तो आपके पास आता है। चले आगे, नेक्स्ट बच्चों क्या है? टफनेस पूछ लेता है। टफनेस क्या होता है? टफनेस की परिभाषा बताओ क्या होता है। टफनेस एनर्जी स्टोर्ड, इसकी बात करेंगे तो एनर्जी स्टोर की बात करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है भाई, एनर्जी स्टोर करेंगे, आपने ग्राफ देखा होगा तो एक लिमिट आती थी अल्टीमेट पॉइंट के बाद एक फ्रैक्चर पॉइंट आती, कहाँ तक आती है? फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी विद इन फ्रैक्चर पॉइंट, कहाँ तक? फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे मैं कहूँ सिंपल सा अगर ड्रा करूँ डायग्राम, ये रहा स्ट्रेन एनर्जी, यहाँ से क्या हो जाएगा कर्व हो जाएगा, ये मैक्सिमम आ गया और यहाँ पे फ्रैक्चर होता था, तो यहाँ तक की एनर्जी जो भी ऑब्जर्व करेगा इस एरिया को, एरिया की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेन और स्ट्रेन की बात, ये बच्चों क्या हो जाएगा? टफनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफनेस। देखो एनर्जी स्टोर कहाँ तक बच्चों? ये फ्रैक्चर पॉइंट है, कहाँ तक ये फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा मटेरियल, इस मटेरियल की यहाँ तक एनर्जी जो भी ऑब्जर्व करेगा, जब तक एनर्जी आ रहा है, जब तक टूटेगा जितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, भाई टेस्ट कर रहे हैं, टूटा नहीं, एनर्जी ऑब्जर्व करा, झेल पा रहा ना, ये झेल पाया, हो सकता है ब्रेक कर जाए कहीं ना कहीं लिमिट पर, जब तक एनर्जी को झेल पाएगा वही क्या उसकी टफनेस है। क्या है? टफनेस। मैं याद रखना टफनेस क्या होता है, यानी कि इसका एरिया निकालेंगे तो यही एरिया जाएगा टफनेस, क्या जाएगा? टफनेस। आगे बढ़े, अब आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या आता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ में अगर मैं कर बनाऊं सिंपल सा, यहां से देखो क्या था, यहां पर क्या था, इस लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं?
यही मैक्सिमम है ना जी सिग्मा, ये तो ऑप्शन एल है। यहाँ पर स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे। और यही पॉइंट क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट होता है। क्या होता है? अल्टीमेट पॉइंट। बोलो ये दादा। तो कहेंगे यहाँ पर जो आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ है बच्चों, रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया कॉल्ड टेंसाइल या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए यही जो आपके पास क्या है, सिग्मा मिलेगा आपको यहाँ से, यही टेंसाइल स्ट्रेंथ। टी की बात करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, बोलो। मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड कहाँ मिलेगा, वहाँ पर, डिवाइड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। बताइए ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, यही बच्चों कहा जाएगा, इस एरिया को बोलते हैं। हाँ तो मैक्सिमम लोड लेना है, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड अपन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, वही क्या कर रहा यार, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल, अल्टीमेट पॉइंट पे ना ये, क्यों, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे में अब जो सबसे बहुत ही खतरनाक जो आपसे पूछता रहता है वो है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस में कई टाइप होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा पता नहीं होता है, इसलिए हार्डनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब लेते हैं हार्डनेस को, तो अच्छे से पढ़ेंगे कि हर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बहुत बार क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बनता है तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है बच्चों, हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, यानी कोई भी मटेरियल पे आप कोई भी लोड लगाओगे अगर वो स्क्रैच नहीं पड़ता है उस पर तो कहेंगे ये बहुत ही हार्ड है, अगर स्क्रैच पड़ गया मतलब हार्डनेस उसकी कम हो रही है। बोलो, या इम्पीडेंस करा रहे हैं या कोई इंप्रेशन दे रहा है उस पर, जैसे मैं कहूँ बच्चों के एक ले लो प्लास्टिक, प्लास्टिक पे एक स्टील का बॉल ले आओ और उसे लोड लगा दो, तो आप देखोगे स्टील की बॉल प्लास्टिक में चला जाएगा, उस पर एक इंप्रेशन बन जाएगा, बन जाएगा, तो इसका मतलब हार्डनेस उसकी बहुत ही कम है, क्या है, कम हो गया, यानी कि स्क्रैच को कर लो या इम्प्रेशन कर लो या जो भी कर लो, उसको रेजिस्टेंस जितनी प्रॉपर्टी करेगा उतनी ज़्यादा हार्डनेस है। अगर मान लो आप इसमें कितना भी दबा रहे हो इस पर स्क्रैच नहीं आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा सुपीरियर हार्डनेस है। बोलो, अरे कोई मटेरियल लो उस पर, क्या एक लोहे या कुछ भी स्टील का बाल उस पर लगा दो या मार दो, अगर कितना का ये बच्चों क्या हो गया, कोई इंप्रेशन डाल दिया, यानी स्टील के बाय का डायमीटर क्या हो गया, हो सकता है अंदर चला जाए, चला गया, इसका मतलब हार्डनेस कम है। अगर नहीं चला जा रहा है, स्टील की बॉल ही टूट जा रही है, कुछ हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, हार्डनेस मटेरियल की ज़्यादा है। समझा, मैं हार्डनेस किसी स्टील बॉल की नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्डनेस उस ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ जिस पर स्टील बॉल रख के आप तोड़ रहे हो। समझ में आया, जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये लो, इसकी हार्डनेस चेक करनी है। बोलो, इसकी हार्डनेस क्या करनी है, चेक करनी है, इसकी हार्डनेस चेक करिए, तो एक स्टील बॉल ले आओ और यहाँ पर रखो और लोड लगा दो, लोड लगाने के बाद उसे देखो क्या इस पर इंप्रेशन पड़ा क्या, अगर इसकी बॉल की इंप्रेशन यानी इसकी अंदर कुछ बॉल चली जाएगी तो कुछ आपके पास क्या मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे। बोलो भाई, बॉल अगर दबाओगे अंदर चला जाएगा, इसका मतलब गड्ढा मिलेगा, इंप्रेशन देगा, इसका मतलब इसकी हार्डनेस कम है। और कितना भी दबा दो इस पर कोई स्क्रैच ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी हार्डनेस क्या है, ज़्यादा है। तो वही रेजिस्टेंस आप क्या है, बोलो क्या है रेजिस्टेंस आप, डिफॉर्मेशन। चलिए इसको लिख लो, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बात लिखते हैं क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, रजिस्ट करना, ठीक है, क्या करना, रजिस्ट करना, मतलब मैं इंप्रेशन दे रहा हूँ, इंप्रेशन नहीं हो रहा, रजिस्ट कर रहा उसको, तो रजिस्टेंस ऑफ मेटल प्लास्टिक, ऑफ मेटल प्लास्टिक फॉर्मेशन, अगर मैं किसी मेटल पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रख के इंप्रेस कर रहा हूँ तो रजिस्टेंस कर रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा उसमें, तो हो गया। ऐसा करते हैं कि रजिस्टेंस
रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैच स्क्रैच को भी रेजिस्टेंस कर रहा है, इसका मतलब हार्डनेस को बता रहा है। कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भी कह रहा है हार्डनेस को बता रहा है। तो आप कह तरह से कई तरीके से इसको हार्डनेस को बता सकते हैं। ठीक है, कह रहा हार्डनेस। तो हार्डनेस की टाइप करेंगे बच्चों, टाइप की बात करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन से पूछ लिया जाता है, क्या था डेफिनेशन से पूछ लिया कि आपके हार्डनेस क्या होता है। अब आता है टाइप ऑफ क्या हार्डनेस, टाइप ऑफ हार्डनेस। अब आते हैं बच्चों टाइप ऑफ हार्डनेस की बात करेंगे। अब आपके पास क्या मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ से मिलने वाला है। चलिए पहला जो आपके पास है विर्नल हार्डनेस टेस्ट। एक एक करने का नाम पहले देख लो क्या क्या नाम होता है, दिमाग में ये तो रहे, विर्नल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, दूसरा बच्चों नाम होता है, उसका नाम है रॉकवेल। क्या नाम है, रॉकवेल। और तीसरा जो हार्डनेस टेस्ट है उसका नाम है कर हार्डनेस। क्या नाम है, बीकर हार्डनेस। बीकर हार्डनेस और एक लास्ट नाम है टू हार्डनेस। ठीक है, तो ऐसे आपके पास हार्डनेस है, ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल, बीकर हार्डनेस एंड टूथ हार्डनेस, ये सब हार्डनेस हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, देखिए कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी दिखाएंगे। चलिए पहला हिंट डालिए ब्रिनल हार्डनेस। हो गया, ये डालिए पहला ब्रिनल हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस। तो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, जो बच्चों इसमें स्पेसिमेन की बात करेंगे जो लेंगे वो लेते हैं स्टील बॉल। कैसा लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे बच्चों इसमें वो भी 10 mm का, कितना लेंगे 10 mm स्टील बार। इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि क्या लेते हैं, क्या स्पेसिमेन मेजर करने लिया होता है स्टील बार, क्या है स्टील बार, वो भी कितना है 10 mm। बोलो 10 mm का स्टील बार लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पर रखेंगे और स्पेसिफिक लोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे लोड लगाएंगे, और स्पेस इंडल घूमता रहेगा वो लोड लगा देगा, कितना आपके पास लोड लगा रहे हैं इसमें इम्प्रेशन आ रहा है। तो क्या लगा रहे हैं इम्प्रेशन, तो मान लो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है लोड लगाया, सवाल बच्चों क्या डायमीटर गिवन है, हो सकता है कुछ इम्प्रेशन इसमें कर गया, हेलो इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा इम्प्रेशन, आया ना, ये इम्प्रेशन चला गया कुछ इसका लेंथ आएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट इस पे रखोगे हो सकता है वो अंदर धस जाए, कितना धसा, ये अंदर धस गया। ठीक है, तो अब इस इम्प्रेशन को मेजर कर लेते हैं, ये हार्डनेस बता देंगे, क्या कर लेंगे इम्प्रेशन को मेजर कर लेंगे। तो मान लो वो स्मॉल डी डायमीटर गया होगा, कितना गया है इम्प्रेशन किया, कितना किया ये स्मॉल, एक स्मॉल डी, मैंने डायमीटर की बात नहीं कर रहा, स्मॉल डी लेंथ की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्मॉल डी, बस ये चलिए इसको एक बार फिर से समझो क्या कहना चाह रहे हैं हम। पहले के स्टील बॉल लिया था है ना, डायमीटर कैपिटल डी मान लो ना, ये
कैपिटल डी हो जाएगा डाया ऑफ स्टील, क्या ये डाया ऑफ स्टील बॉल है, कोई बॉल लेंगे उसका डायमीटर होगा 10 mm, जनरली क्या है 10 mm लिया मैंने। अब मैंने क्या किया जो यहाँ से कि इंप्रेशन डाला, इंप्रेशन डाल के इसको हटा लिया, क्या कर लिया को निकाल दिया, तो कुछ तरीके के इंप्रेशन मिलेगा क्या हमको, नहीं समझे किस तरीके के इंप्रेशन मिलेगा भाई, स्टील बाल कुछ गया होगा मिलेगा। इसकी डायमीटर मेजर कर लेते हैं, डायमीटर मेजर कर लेते हैं, डायमीटर मेजर करेंगे वो आएगा स्मॉल डी लेते हैं, क्या लेते हैं स्मॉल मैं स्मॉल डी क्या बच्चों डाया आप डाया आप इंप्रेशन आया ना इस पे, वो इंप्रेशन मतलब क्या उस पे छाप छोड़ा है, डाया आप मैं भाई अपने क्या किया इस पे लोड लगाया होगा आपने, ये मटेरियल कहीं ना कहीं अंदर गया होगा, बोलो यहाँ पर लोड लगाया होगा अंदर में गया होगा, तो उसको डायमीटर मेजर करिए ये कैपिटल डी क्या है, फ्रीली एकदम स्टिक कराया है। जो लोड लगाते हैं बच्चों किस में लगाते हैं, केजी में, और फोर्स जो लगाया है मैंने लोड अप्लाइड किया है, लोड अप्लाइड किया हूँ केजी में किलोग्राम में, बात समय है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो BHN आपके पास एक रिलेशन देता है जिसका नाम है BHN नंबर, ब्रिटल हार्डनेस नंबर HN, क्या नाम है ब्रिटल हार्डनेस, ठीक है लिख लो ब्रिटल ब्रिटल हार्डनेस नंबर, एक नंबर मिला BHN, ठीक है। मान लो इस पे जो लोड लगाया मैंने, लोड F लगाया आपके पास, जो भी लगाया मैंने F लगाया W लगाया, हो सकता है कभी एग्जाम में W भी दिया जाता है या इसको W भी देता है एग्जाम में, ठीक है जो भी दिया हो, ये किस में लगाया kg में लगाया मैंने, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पाई कैपिटल D बाई टू, पाई कैपिटल बाई टी टू माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस, फार्मूला है रिलेशन, ये बहुत बार पूछा एग्जाम में ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है याद रखिए, एफ डिवाइड बाई पाई डी बाई टी, कैपिटल डी बाई है यहाँ पर, कैपिटल डी समझ लो क्या है डाया ऑफ स्टील बार, स्मॉल डी क्या है डायल इंप्रेशन, ठीक है यहाँ से आ जाएगा रिलेशन, इंपॉर्टेंट है बराबर पूछा एग्जाम में आता रहता है, ब्रिटल हार्डनेस नंबर हो गया। भाई इसमें क्या है मैंने एक स्टील बाल लिया किसी फेस में पे फोर्स लगा के, फोर्स किस में KGF में लगाएंगे, KG फोर्स किलो फोर्स में, तो किलो में मैंने फोर्स लगाया और BHN की वैल्यू मिलेगा F डिवाइड बाई पाई डी बाई टू अंडर ब्रैकेट में D माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल D का स्क्वायर, ठीक है। और BHN नंबर दिया, BHN नंबर से हम बता देंगे कौन सा मटेरियल यानी कि किसके अर्जे जो भी रेंज आएगा कौन कौन से मटेरियल अप्लाइड कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों क्या आया, यहाँ से आया कि अगर BHN नंबर हमको मिल गया, लोड जो लगाते हैं केजी में लगाते हैं यहाँ पर, और लोड जो केजी में लगा रहे हैं उसके बाद बच्चों क्या है यहाँ पे मटेरियल लेंगे, क्या लेंगे मटेरियल लेंगे, दूसरा रेंज की बात करेंगे वो BHN नंबर का, रेंज की बात करेंगे BHN नंबर का HN। चलिए यहाँ से देखेंगे, अगर 500 केजी का लोड लगाया मैंने और दूसरा क्या बच्चों 1500 केजी का लोड है और तीसरा 3000 केजी का लोड है, तो मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट मिलेगा, कैसा सॉफ्ट मटेरियल पर कम लोड लगाएंगे के इंटरमीडिएट अलग क्या जाए इंटरमीडिएट या मीडियम कह लो, मीडियम मटेरियल पर कैसा लगाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, और ज़्यादा लोड किस पर लगाएंगे बच्चों हार्ड मटेरियल पर, उस समय इसकी BHN की नंबर आती है बच्चों 16 से लेके कितना आता है 100 के आसपास, अगर दूसरी बात करूंगा 48 से इसमें आता है कितना आता है यहाँ पर के आसपास, और 96 से आता है यहाँ पर 600 के आसपास, ठीक है।
ये मटेरियल है बीएचए नंबर, रेंज है यहां पर, समय तो इंपॉर्टेंट है, पूछे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीएचए नंबर 100 से लेकर ये तक कितना होता है, खास कर वो ऐसा लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है जैसे ई वगैरह जे, यहाँ तक भी हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। रेंजेस के हिसाब से मटेरियल है, बोल देगा पेशेंट कितने पास 100 के आसपास से कौन सा सॉफ्ट मटेरियल लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास 300 के आसपास है तो मीडियम लगेगा, 600 के आसपास है तो हार्ड लगेगा। चलिए बात करेंगे आगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मटेरियल पे यूज करते हैं कौन सा बीएचए नंबर, एब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का यूज कहाँ करते हैं, एल हार्डनेस यूज कहाँ करते हैं मटेरियल बताओ, कौन सा यूज करते हैं, एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, माइल्ड स्टील पे कहाँ करेंगे, माइल्ड स्टील कहाँ करेंगे, माइल्ड स्टील पे बच्चों क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, और दूसरी बात किस पे, ग्रे कास्ट आयरन पे यूज, ग्रे कास्ट आयरन पे भी यूज करते हैं, मैक्सिमम कहाँ यूज करते हैं, माइल्ड स्टील। तो आपसे पूछता है कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, किस मटेरियल पे किया जाता है, तो ब्रे माइल्ड स्टील पर, माइल्ड स्टील पर, और दूसरा बात करें तो ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आया, ये रही ब्रिंडल की कहानी, ब्रिंडल में आपके पास यूज करेंगे बच्चों कौन सा स्टील बॉल, एक इंप्रेशन देगा, उसका डायमीटर निकालेंगे, फार्मूला दिया है, बीएचए नंबर निकालेंगे, बीएचए नंबर जिस हिसाब से बैरी करेगा उस हिसाब से मटेरियल आपके बैरी करेगा। चलो मटेरियल कहाँ करेगा, माइल्ड स्टील पर, और ये ग्रे कास्ट आ रहे हैं। सेकेंड क्या था, रॉकवेल, रॉकवेल हार्डनेस, बातें रॉकवेल की बात करेंगे, इनो हार्डनेस टेस्ट की बात करेंगे, तो मैं देखिए जो अभी मैं इससे पहले पढ़ा था वो क्या मेजर करता था, इंप्रेशन के डायमीटर मेजर करता था, बोलो स्टील का बाहर डायमीटर आपको पता था, और किसका मेजर कर लूं मैं, किसका मेजर कर लूं, हाँ डायाफ, डायाफ इंप्रेशन, जो इंप्रेस मिलता था आपके मटेरियल माइल्ड स्टील पे इंप्रेस मिलता था उसका मेजर करते हैं, तो वहाँ बीएचए नंबर निकालते थे। अब ये क्या मेजर करेगा, क्या इंप्रेशन मेजर करेगा, कुछ मेजर करेगा, ठीक है, क्या मरेगा, तो बच्चों इसमें जो मेजर करता है जो हार्डनेस, ये क्या है, ये हार्डनेस, ये इट इज मेजर, मेजर डेप्थ ऑफ, अब डायमीटर डेप्थ पूछ, डेप्थ गहराई, कितना गहरा जा रहा है वो, ठीक है, डेप्थ ऑफ आइडेंटेशन, समझ आया, नहीं समझ आया, ठीक है, अंडर कॉन्स्टेंट ये मेजर कर रहा है डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, कितना डेप्थ तक अंदर गया, मतलब कितना मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट किया, वो डेप्थ नहीं जाएगा, वो डेप्थ मेजर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्डनेस टेस्ट रॉकवेल का, है ना, बोलो, यानी रॉकवेल जो टेस्ट होता है फास्टर देन क्या होता है, होता है तो हाँ रॉकवेल जो होता है यहां पर फास्टर देन हो जाएगा बी, जैसे मतलब ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट मेरा ये ज्यादा फास्टर होता है, इसमें मैं स्पेसिमेन क्या लेते हैं टेस्ट करने के लिए, टेस्ट स्पेसिमेन क्या होता भाई, टेस्ट स्पेसिमेन की बात करेंगे करेंगे, इसमें क्या लेते थे भाई, बीएचएन में क्या लेते थे हम लोग, टेस्ट स्पेसमैन, स्पेसमैन माइल्ड स्टील लेते, लेकिन टेस्ट जो भी आप टेस्ट करते थे वो किसे करते थे हम लोग, स्टील बॉल से, बोलो
ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास टेस्ट की बात करेंगे किससे करेंगे, यहाँ पर फिर स्फेरोकोनिकल डायमंड को यहाँ पे एंगल लिख लो 120 डिग्री फेरो स्फेरिकल होगा, फेरो 120 डिग्री स्फेरो कोनिकल 120 डिग्री स्फेरो कोनिकल डायमंड आइडेंटेटर, डायमंड आइडेंटेटर, या इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिमिन मत लिखो, हम लोग वर्कपीस समझ जाएंगे ना, यहाँ पे लिख लो टेस्ट आइडेंटेटर। तो एक मटेरियल होगा जो डायमंड का बना होता है, कैसा बना होता है, स्फेरिकल 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, एक 120 डिग्री क्या डायमंड जैसे आप देखते हो ऐसे आता है, हर जगह स्फेरिकल टाइप में निकला होगा, नहीं समझे, ऐसा नुकीला सा मिलेगा कि हर जगह मतलब हर एरिया में ऐसे घूमेगा, तो आपको एक कोन दिखेगा, क्या दिखेगा, कोन ऐसे आया ना, अरे आया ना, स्फेरिकल नहीं, ये जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, 120 डिग्री बनाएगा। ये स्पेसिमेन है, और स्पेसिमेन पर बच्चों ये आइडेंटिटर में डाल दूं, कितना डाल दूं, 120 डिग्री, और ये जो एंगल बनाएगा 120 डिग्री, और यही डेप्थ मेजर करना है, कितना डेप्थ तक जाए, बोलो, इसी डेप्थ को मेजर करना है, डेप्थ कितना आएगा, तो हम निकाल लेंगे कितना इसकी, यही है 120। क्वेश्चन पूछता है कि जो आइडेंटर यूज करते हैं कैसा करते हैं, रॉकवेल में 120 डिग्री स्फेरोकोनिकल डायमंड आइडेंटेटर, बोलो यूज करेंगे, ये वर्ड याद रखना है, बहुत बार पूछा है रॉकवेल में कौन सा आइडेंटर यूज करेंगे, 120 डिग्री स्फेरिकोनिकल डायमंड, इसमें क्या करते थे हम लोग, स्टील का बॉल, बोलो ये रहा, हो गया। तो बच्चों दो तीन स्केल होते हैं, ठीक है, तो इसको स्केल देख लेते हैं, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग स्केल की बात करेंगे, इसमें स्केल होता है ए, स्केल की बात करें, किसकी बात करें, स्केल ए, और स्केल ए में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी देख लेना, ठीक है। ए स्केल की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा बच्चों हार्ड मटेरियल, कैसा आएगा, बहुत ही हार्ड हार्ड मटेरियल, क्या हो जाएगा बी में, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल क्या जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल में क्या आएगा, में भी आएगा हार्ड मटेरियल, आएगा हार्ड मटेरियल, देखिए ए बी सी में आपके पास मेजर करेगा, तो सॉफ्ट मटेरियल पे बात करेंगे, जैसे ये है, ये है, ये मोस्ट कॉमन यूज आपके पास कॉमन, स्केल बी स्केल सी, सॉफ्ट मटेरियल हार्ड मटेरियल, ठीक है। और इसको बच्चों सॉफ्ट मटेरियल अगर होगा तो इसे यहाँ पे स्टील बॉल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्टील बॉल, अगर हार्ड मटेरियल होगा तो लगा देंगे डायमंड कोन बॉल, ठीक है, कोनिकल डायमंड,
ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बच्चों, जो सॉफ्ट मटेरियल होता है कौन से स्केल में आता है, कौन सा आता है, क्या चाहिए, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस नहीं पूछेगा। इसमें बच्चों क्वेश्चन पूछता है क्या आइडेंटिटर है, कितना डिग्री कोण बनाता है दोनों के बीच में, कितना बनाता है 120, इतना ध्यान रखिए बस, ठीक है। पूछेगा कौन सा मटेरियल शॉर्ट में आता है कैटेगरी में, 20 के लिए। वीकर हार्डनेस टेस्ट थोड़ा ही है लास्ट, इसमें वीकर हार्डनेस टेस्ट, वीकर हार्डनेस, वीकर हार्डनेस टेस्ट की बात करेंगे। अब देखो इसमें आता है कुछ नया आएगा, ये क्या मेजर करेगा बच्चों, एक तो बच्चों ने क्या किया डायमीटर, क्या जो आपका इंप्रेशन बना उसका डायमीटर मेजर किया था कौन, BHN। डेप्थ कौन मेजर किया था, रॉकवेल। अब बीकर क्या करेंगे, एरिया ऑफ आइडेंटिटेशन, क्या करेंगे, एरिया ऑफ आइडेंटिटेशन। चलिए क्या करेंगे, मेजर एरिया ऑफ आइडेंटिटेशन, मेजर एरिया ऑफ आइडेंटिटेशन, प्रेशर रेंज की बात करेंगे। इसमें जो प्रेशर रेंज होता है ये अलग अलग है, यहाँ एक डिवाइस यूज कर बात करेंगे, प्रेशर रेंज जो होता है बच्चों यहाँ से 1 to 120, ठीक है, आता है KGF यानी लोड की बात करें आप 1 to 120 बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि क्या होता है, कहा जाइए इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है, क्या ऑफ लोड, कौन सा हार्डनेस टेस्ट है जो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड है, क्या बोलेंगे, ये बहुत ही कम, इतना कम होता है इसे इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। आइडेंटर कैसा होता है भाई, आइडेंटर क्या होता है, आइडेंटर क्या होगा, पहले कैसा स्टील बाल था, रॉकवेल का कैसा था, हाँ क्या था, स्फेरोकोनिकल था, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड टाइप का, कैसा हो जाएगा, स्क्वायर बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड, स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड टाइप का इसका आइडेंटर होगा। इंपॉर्टेंट यहां से पूछता है वीकर हार्डनेस का कौन सा आपका आइडेंटर यूज हुआ है, स्क्वायर बेस डायमंड, तो अगर मैं इसकी एंगल की बात करूं, ठीक है, इंडेंट एंगल की बात करूंगा फॉर अपोजिट फेसेस, फॉर अपोजिट फेसेस अ पिरामिड इज 130, कितना आता है 1360, ये भी एंगल याद रखिएगा, स्क्वायर पिरामिड में एंगल जो होता है कितना होता है 136। ये लिख लीजिए कुछ फार्मूला, इसका जो पूछ लेता फार्मूला डायरेक्टली पूछता है। स्पीकर हार्डनेस की बात करेंगे तो इसे HV से डिनोट करते हैं, क्या HV स्पीकर हार्डनेस, क्या बोलते हैं, स्पीकर हार्डनेस। ये जो फार्मूला होता है बच्चों यहाँ से
टी डिवाइड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा टू टू मल्टीप्लाई का टू बाहर चला जाएगा टू पी डिवाइड बाई डायरेक्टली लिख लो रिजल्ट क्या आता है सब बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग 1.854 बाई डी तो भी याद करिए ये भी क्वेश्चन आपसे बराबर पूछता है कि फिर हार्डनेस का फॉर्मूला है 1.8 ठीक है ना बहुत है इसमें लास्ट है क्या जी टू हार्डनेस ठीक है तो बच्चों क्या कहा जाता है आल्सो कॉल्ड माइक्रो हार्डनेस क्या बोलते हैं हम लोग माइक्रो हार्डनेस तो बोलते हैं माइक्रो हार्डनेस आइडेंटर कैसा होता है आइडेंटर की बात करें कैसा होता है आइडेंटर होता है बच्चों इसमें ठीक है डायमंड ग्राउंड टू पिरामिड डायमंड का ही बना होता है डायमंड ग्राउंड टू पैरामेडिकल डायमंड होगा लेकिन पिरामिडिकल शेप में होगा पिरामिड टाइप में पिरामिड आप देखे वो बोलोगे ना पिरामिड इसी टाइप का डायमंड का बना होता है नूप हार्डनेस के बारे में लिखते हैं के एच एचएन नूप हार्डनेस है पी बराबर क्या हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एफ पी डिवाइड बाई एल सी आर ये याद रखिए प्रोजेक्शन एरिया होता है ये क्या होता है प्रोजेक्ट इंप्रेशन बनेगा उसका प्रोजेक्ट एरिया ले लेंगे वो अपने आप आ जाएगा नूप हार्डनेस ठीक है तो ये तो रहे बच्चों क्या सिंपल सा हार्डनेस की बात हार्डनेस इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने चारों डिस्कस किया क्वेश्चन बहुत आते हैं हार्डनेस से पहला डेफिनेशन क्या होता है हार्डनेस का कितने टाइप होते हैं उस टाइप में अलग अलग आपके पास टाइप आते हैं आइडेंटर किसका यूज होता है ठीक है तो हर टाइप का आइडेंटर यूज होता है वो देखिए कौन कौन सा होता है ठीक है उनके बीच एंगल कितना होता है ये भी पूछ लिया जाता है कुछ फार्मूला रिलेटेड दिया उन्होंने वहाँ पर पूछ जाता है ब्रिटन हार्डनेस का फार्मूला क्या होता है एक्सप्रेशन ही डायरेक्टली पूछ जाता है देखा ऑब्जेक्टिव में चार फार्मूला देंगे मैच करना हो कौन सा मैच करो सही है ठीक है या दोनों में फार्मूला है और देखिए कौन सा ए बी सी इसके लिए यूज होता है तो ये सब आपके पास हार्डनेस जैसे पढ़ेंगे किसको माइक्रो हार्डनेस टेस्ट बोलते हैं ठीक है तो कहानी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं उस पर क्वेश्चन कराएंगे हम कल जरूर कराएंगे ठीक है इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कराने वाले हैं इस पर और ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं इसलिए हमने चारों हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया ठीक है तो कौन कौन सा होता है क्या क्या मेजर करता है हर चीज़ें सब कुछ है ये प्रोजेक्शन एरिया मेजर करता है क्या करता है मेजर प्रोजेक्शन एरिया तो सबका आपके पास अलग अलग है क्या क्या मेजर करता है उससे क्या एक्सप्रेशन आता है उससे हार्डनेस टेस्ट निकालते हैं यानी हर जगह का अलग अलग हार्डनेस मिलता है ठीक है वैसे टाइप आपके आए जितने सुटेबल मटेरियल उसके लिए बेस्ट होगा तो कहने का मतलब है अलग अलग है बी एच एन नूप
और क्या है आपके पास, विकर, और क्या है रॉकविल, ये चार हैं इसके पास, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो अभी क्या आता है, नेक्स्ट क्लास और डिस्कस करेंगे उसमें, और मटेरियल का डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है, क्रीट टेस्ट क्या होता है, हार्डनेस क्या, अरे हार्डनेस तो डिस्कस, ठीक है, चॉर्पी टेस्ट क्या होता है, ये सब आपके पास, टफनेस वगैरह का टेस्ट कैसा होता है, उसका कम्युनिटी टेस्ट कैसा होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।